हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स मैटिक की नई अपडेट्स क्या है उसे हम लोग जानेंगे बट उससे पहले क्रिप्टो मार्केट का कंडीशन देख लेते हैं और फिर मैटिक का ग्राफ और मैटिक का सिचुएशन मार्केट में क्या है वो देख लेंगे देन हम लोग पहुंचेंगे मैटिक के जो भी अपडेट्स हैं उस पर तो फ्रेंड्स कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा था तो कल मैंने बताया था कि जो क्रिप्टो मार्केट का मार्केट कैप है क्रैश के बाद से बढ़ा हुआ था तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हो कि आज मार्केट कैप फिर से रिड्यूस हुआ है जिस तरह से क्रैश के बाद बड़ा उस तरह से फिर आज कम हुआ है लेकिन जितना बड़ा था उस अमाउंट में कम थोड़ा हुआ है और इस चीज़ के लिए फ्रेंड्स पैनिक नहीं होना है क्योंकि मार्केट में अभी क्या है कि फियर अभी चल रहा है फियर का सिनेरियो है पूरा फ्रेंड्स लोग डरे हुए हैं और जब लोग डरे हुए होते हैं तो आपको पता है क्या होता है पैनिक माहौल होता है और लोग सेल करने लगते हैं अभी भी बहुत लोगों ने होल्ड करके रखा है लेकिन मार्केट अगर जल्द रिकवर नहीं होता है या फिर थोड़ा सा रेड कैंडल बनाता है मार्केट थोड़ा और डंप हो जाता है तो बचे कुचे जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग और जिसका पैसेंस लेवल कम है वो फिर से सेल कर देंगे तो एक दो लोग तो सेल करते नहीं फ्रेंड्स लाखों करोड़ों लोग सेल करते हैं एक बार में तो फिर से मार्केट नीचे आता हुआ दिखेगा और मार्केट कैबू रिड्यूस होता हुआ दिखेगा तो फ्रेंड्स इसके लिए तो पैनिक नहीं होना है मैं सबसे बोलूंगा अगर आप होल्ड करके रखे हो तो होल्ड करके ही रखो मैंने भी रखा है हमारे जैसे लाखों लोगों ने होल्ड करके कर रखा हुआ है और ये पहली बार क्रिप्टो मार्केट में नहीं हुआ है कि जो आपको यहाँ पर क्रैश देखने को मिल रहा है क्रैश क्रिप्टो मार्केट में होते रहता है ये नहीं फर्स्ट है और ना ही लास्ट है आगे फ्यूचर में और भी होंगे तो इस तरह से मार्केट ट्रैप करता है जो लोग पैनिक में सेल कर देते हैं या जो डर डरते हैं जिसके अंदर फोमो होता है सॉरी फोमो नहीं मतलब जिसको डर लग जाता है उन लोगों का नुकसान हो जाता है और जो लोग डटे रह जाते हैं आने वाले टाइम में जब मार्केट रिकवर करता है तो वो प्रॉफिट के साथ निकलते हैं निकलना तो सबको है कुछ लोग लॉस के साथ कुछ लोग प्रॉफिट के साथ तो चलो फ्रेंड्स ये था आ, क्रिप्टो मार्केट का हाल अब हम लोग आते हैं नीचे और मैटिक को हम लोग ओपन करेंगे और उसके बाद से फिर हम लोग मैटिक का ग्राफ देखते हैं क्योंकि कल मैंने वीडियो में मैटिक का भी ग्राफ दिखाया था तो फ्रेंड्स कल के ग्रोथ के कंपेरिजन में आज ग्रोथ कम है आज देख लो फ्रेंड्स कल छः सात था आज कम हाई ट्वेंटी आवर और लो ट्वेंटी आवर देख लो फ्रेंड्स उसके बाद से फ्रेंड्स हम लोग नीचे आते हैं तो अब मार्केट कैप वगैरह भी यहाँ ग्राफ से अच्छा हम लोग नीचे ही एक ही बार देख लेते हैं क्योंकि एक ही चीज़ दोनों जगह बताने से अच्छा कि एक जगह ही देख लेते हैं तो प्राइस हम लोग पहले भी देख चुके हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम मैंने पहले भी बोल रखा है कि जब तक मार्केट का सिचुएसन ऐसा रहेगा सिर्फ मैटिक नहीं आप लगभग लगभग नाइनटी ऐसे को आएंगे मार्केट में अभी जहाँ सबका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम पड़ा हुआ है क्योंकि मार्केट ये शेयर मार्केट फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे होता है क्या बिटकॉइन जैसा चलता है वैसा बाकी चलते हैं अगर सारा मार्केट आपका मैटिक की है, अगर एक दिन में पचास परसेंट का पंप दिया हुआ है बाकी भी दिए हुए हैं अच्छे अच्छे पंप लेकिन अगर बिटकॉइन उस दिन दस लाख नीचे आ जाए तो क्या होगा आपको पता है वो होगा मार्केट क्रैश और सारा जितना भी कॉइन पंप दिया हुआ था अगेन से सब डंप कर देंगे क्योंकि लोग तुरंत सेल करना शुरू कर देता है तुरंत लोग पैनिक हो जाता है कि अरे बिटकॉइन तो नीचे चला गया मार्केट क्रैश कर गया तो चलो भागो प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो जैसे निकालो तो चलो फ्रेंड्स ये था ट्रेडिंग वॉल्यूम अब लोग नीचे आते हैं तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख लो ये है जो ताज़ा अपडेट सॉरी एक मिनट सर तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो मार्केट कैप जो है यहाँ पे इंक्रीज़ दिखा रहा है थोड़ा सा तो चलो ये मार्केट कैप इंक्रीज़ हो ना हो मार्केट कैप है क्या फ्रेंड्स कि मान लो अगर हंड्रेड लोगों का पैसा है मैटिक में और उसमें मान लो टेन रुपीज़ सब कोई डाला है तो मान लो थाउजेंड रुपीज़ फ्रेंड्स हो गया अब इसमें से अगर ट्वेंटी लोग भी अपना पैसा बाहर निकालते हैं मतलब दो लोग बाहर निकाल लिए तो फिर आठ बचा तो ये तो रिड्यूस हो गया ना हज़ार से आठ सौ पहुँच गया तो यही मार्केट कैप होता है फ्रेंड्स तो ये जिस तरह से हज़ार से आठ सौ हो गया बीस लोग पैसा निकाला तो उसी तरह से जब चालीस लोग पैसा डाल देगा तो हज़ार से बारह सौ हो जाएगा तो इसके लिए तो डरना नहीं है कि मार्केट कम हो गया तो अब क्या हो गया अरे अभी का सिचुएसन ही खराब है जैसे मार्केट सही होता है सब कुछ सही होगा तो चलो फ्रेंड्स अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे दो से तीन मिनट के अंदर मैं सब कुछ आपको जो भी अपडेट्स है मेटिका वो कवर करने वाला हूँ और वीडियो पर आप बने रहो वीडियो ट्राई करो पूरा देख लेने के लिए क्योंकि अगर मैटिका फोल्डर्स हो मेटिका के पास है तो ये वीडियो आपके लिए ही है फ्रेंड्स आप ही को बेनिफिट होगा तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग एक ही करके मैटिक के अपडेट्स को देखते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्राइस परफॉर्मेंस इन ओ एक्स पॉलीगॉन इकोसिस्टम लास्ट सेवन डे तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो एक नंबर पर यहाँ पर मैटिक है और यहाँ पर मैं अगर इसका जो ये इन्होंने पिक्चर एक शेयर किया हुआ है इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ भी आपको एक नंबर पे मैटिक ही दिख रहा है अठ साढ़े अठारह परसेंट ये सात दिन के ग्राफ के अकॉर्डिंग है और बाकी आप देख लो यहाँ पे सारे के सारे निगेटिव हैं ये कॉइन को तो आप लोग जानते होंगे तो फ्रेंड्स देख लो सारा का सारा यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है तो चलो फ्रेंड्स इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स हैं अब हम लोग चलते हैं वहाँ पर और वहीं पर सारा अपडेट्स एक बार में ही क्लियर हो जाने वाला है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो अपडेट है इसके बारे में मैंने अपने बाकी वीडियो के अंदर भी बनाया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो ये पोलिगोन मैट्रिक का है जो कि नाइन्थ दिसंबर को होने वाला है ये जेके के डे के है फ्रेंड्स और इसमें जो इथेरियम के को फाउंडर हैं तो वो भी आने वाले हैं और यहाँ पे जो है ये मतलब एक तरह का इनका बोल सकते हो बड़ा इवेंट है बड़ा एक प्रोग्राम है जो ऑर्गेनाइज़ किया गया नाइन्थ दिसंबर के लिए जिसको इन्होंने देख लो यहाँ पे पिन करके फ्रेंड्स रखा हुआ है और ये पिछले आप देख सकते हो तो, तीन दिन से इसको पिन करके रखा हुआ है तो चलो फ्रेंड्स और हम लोग नीचे में आते हैं तो एक यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हो कि ये ट्वेंटी आवर के अंदर का वॉल्यूम है जो कि इंक्रीज हुआ है अच्छा खासा उसके बाद से तो फ्रेंड्स ट्वेंटी और आते हैं नीचे हम लोग तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर आप एक अपडेट है छोटा सा ये कुछ खास नहीं है और नीचे हम लोग आते हैं तो फ्रेंड्स एक अपडेट ये देख सकते हो कि ये गेम का है यहाँ पे आप देख सकते हो सीधे पिक्चर में तो फ्रेंड्स इसे आप लोग देख लो पॉलीगॉन से हैश टैग वन गेम फॉर थर्टी डे सेल्स वॉल्यूम यह पॉलीगॉन के प्लेटफॉर्म पे जो गेम वगैरह चलता है उस पर एक नंबर पे चल रहा है और ये थर्टी के लिए सेल्स वॉल्यूम है यहाँ भी लोग पैसे लगाते हैं गेम परचेज में और यहाँ से भी मतलब गेम ये लोग अपना निकाल निकाल के भी अच्छा खासा पैसा कमाता है प्रोजेक्ट से तो चलो फ्रेंड्स अब एक दो और अपडेट देख लेते हैं और उसके बाद से वीडियो खत्म होगा बट ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस मेरा यही था कि मैटिक में पोटेंशियल है मैटिक बड़े अच्छे तरीके से पंप किया हुआ था फ्रेंड्स और अगर ये ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया जैसा कि मैंने बोला था कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाला है इस बार तो उसका सबसे बड़ा रीजन है क्रैश तो इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि अगर क्रैश आ गया तो अब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर पाएगा क्रैश मतलब क्या है कि जैसे किसी को बुखार हो जाता है इसका मतलब थोड़ी कि वो ठीक नहीं होता है तो बस वही है कि अभी मान लो मार्केट का सिचुएसन ख़राब खर, चल रहा है जैसे मार्केट फिर नॉर्मल रेंज में आता है फिर से ऊपर जाएगा एक समय में बिटकॉइन भी आप देखे होंगे उन्नीस लाख पे पहुँचा हुआ था लेकिन उसके बाद से वो ऑल टाइम हाई बनाया और चौवन पचपन लाख तक भी गया तो ये मार्केट में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं फ्रेंड्स तो इस चीज़ को तो आपको समझना होगा कि ये चलते रहेगा ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला है हमेशा देखने को मिलेगा तो चलो फ्रेंड्स और एक दो अपडेट देख लेते हैं और जो लोग भी होल्ड करके रखे हैं होल्ड करके रखो डर के मारे सेल मत करना लॉस ले लोगे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये एक अपडेट था ये देख सकते हो ग्यारह घंटा पहले का है यहाँ पे है डब्ल्यू एन गोल्ड इज लॉन्चिंग ऑन ओ एक्स पोलिगॉन द एस लो फीज एंड फास्टर स्पीड ऑफ पोलिगॉन अलाउ अस टू इम्प्लीमेंट और वेंचर विदाउट द वरी ऑफ एनी इशूज अराइजिंग तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देख सकते हो तो इस तरह का फ्रेंड्स जो ये आपको लोगो मतलब सॉरी लोगों बोल रहा हूँ मतलब ये सब आपको ट्वीट देखने को मिल रहा है या फिर नए नए छोटे छोटे ये प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स जिसपे ये काम कर रहा है तो इस तरह के मैट्रिक के पास एक नहीं दो नहीं कई सारे प्रोजेक्ट हैं मैं डेली वीडियो में कवर करता हूँ और डेली के डेली नए नए आ भी रहे हैं तो ये आ, आगे भी आते रहेगा और इसलिए बोलता हूँ कि इंडिया का ये जो क्वाइन है बहुत इसके अंदर पोटेंशियल है आने वाले टाइम में ये काफ़ी ऊपर जाएगा अभी भी जो लोग अगर वन या वन एट्टी फाइव ले कर रखें तो पहले सबसे पहला बात तो ये होता है फ्रेंड्स कि मार्केट में किसी भी प्राइस पे परचेज मतलब बाई करना ये तो सबसे पहले ये कोई जेन्यून मेथड ही नहीं होता है अगर आप ऐसे बात बाई कर रहे हैं इसका मतलब आपको आता नहीं है मार्केट में मतलब काम करना तो इस तरीके से तो आप करो मत मतलब आप एक प्रॉपर वे में एक स्ट्रेटजी बना के एक प्रिंसिपल होना चाहिए खुद के अंदर फ्रेंड्स और मैनर के साथ तब मार्केट में उतरो एक प्राइस रेंज होता है सपोर्ट पे लो रेंज में मौका मिलता है दिन बाइक किया जाता है ऐसा नहीं कि अब मैटिक पंप कर रहा है अब 200 पे चला गया 250 पे गया हाई बनाया ऑल टाइम और हमने ऑल टाइम हाई 250 पे बाइक करके रख लिया तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स आप नहीं निकलोगे नहीं निकलोगे लेकिन फिर वो ऑल टाइम हाई कब ब्रेक होगा फ्रेंड्स एक साल लेगा छः महीना लेगा दो साल लेगा ये कोई नहीं जानता है कभी भी मतलब ज़्यादा टाइम लग सकता है इसका मतलब क्या आप तो ट्रैप हो अब आपके पास दो सिचुएसन है या तो जब तक ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं होता है दो से ऊपर नहीं जाता तब तक वेट करो या फिर लॉस लेकर सेल करो तो इसलिए फ्रेंड्स एक रेंज में ही बाइक करना चाहिए और अगर मिस हो जाता है तो मिस हो जाने दो फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो में नहीं पड़ना है कि अरे मिस हो गया मिस हो गया तो चलो अभी भी मौका है ऊपर ले, ले लेते हैं बढ़ तो रहा ही है और बढ़ेगा क्या गारंटी आप जिस प्राइस पे लो वहीं से वो गिरना शुरू हो जाए तो चलो फ्रेंड्स ये सब था आपके लिए किस तरह से गलती नहीं करना है वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक करना चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में